चुनौतियां नहीं हैं सर, और चुनौतियां रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ रही हैं, उनका सामना उन्होंने कैसे किया मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो चुनौती इसके साथ भी थी, ये देखो इसके साथ थी कि नहीं थी। ये दोनों लल्लू भाई लोगों को बोल रहे थे लोहे को हवा में उड़ा देंगे, हम बेड उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, मेज उड़ा देंगे, हम आदमी को उड़ा देंगे। ये सपने बोल रहे थे हम दुनिया को उड़ा देंगे। राइट ब्रदर्स, हम ये उड़ा देंगे, हम पंखा उड़ा देंगे, हम कुर्सी उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन में जाएंगे जिसमें बैठ के सब चीजें। अच्छा मैं पूछता हूं, जब ये सपने बताते होंगे तो जो आसपास के लोग रहते होंगे वो बोलते होंगे शाबाश, हमें भी लग रहा है तुम ऐसा कर दोगे, ऐसा बोलते होंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हां जी, तो चुनौती रही होगी कि नहीं रही होगी? अच्छा सोचो कि ये आदमी जब बोलता होगा जिसका नाम था हेनरी फोर्ड, इसने अपने इंजीनियर को इकट्ठा किया, उसने बोला एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें 8 के 8 जो सिलेंडर है वो एक ही जगह लगे हों। लोगों ने कहा पागल है हेनरी, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है। उसने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं पता, ड्राइंग करके दे दिया कागज पे। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर को कागज पे ड्राइंग करके दिया कि एक 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह चाहता हूं, बना के दो। मरता क्या ना करता, एम्प्लॉई थे, पैसे मिलते। उसने बोला ठीक है कोशिश करते हैं। 2 महीना 3 महीना 6 महीना रिपोर्ट मांगी, क्या हुआ? बोला सर नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बोला फिर करो, तनख्वाह तो मैं दे रहा हूं। 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो ही नहीं सकता। 1 साल के बाद इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर से पूछा हां भाई, उन्होंने बोला हो नहीं सकता, तो मैं आपको हेनरी फोर्ड की वो लाइन बताता हूं, साथ लेके जाइए। जानते हैं हेनरी फोर्ड ने क्या बोला? बोला चाहिए ही चाहिए। 3 शब्द बोले, चाहिए ही चाहिए। कितना समय लग जाएगा मुझे उससे परवाह नहीं है, लेकिन 8 सिलेंडर एक ही जगह मुझको चाहिए ही चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया। सर कहां चुनौती नहीं है दोस्त? नेपोलियन का नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड द नेम नेपोलियन? बहुत बड़ी सेना थी नेपोलियन की। अल्पास पर्वत श्रेणी में गया, अल्पास गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, दुनिया की विहंगम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अल्पास। अल्पास को वो फतेह करना चाहता था। अल्पास डेड पर्वत श्रृंखला है, डेड मतलब गया तो मरा आदमी, इतनी खतरनाक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पूरी सेना के साथ निकला, अल्पास को जीतूंगा। तो जब अल्पास के लिए गया तो एक बूढ़ी औरत मिली नेपोलियन को, तो उस बूढ़ी औरत ने बोला तू कहां जाता है, तू कौन है? उसने बोला मैं नेपोलियन। उसने बोला जाता कहां है? बोला अल्पास फतेह करूंगा। तो उसने बोला तू ऐसा मत कर, क्योंकि यहां जो भी गया लौट के, तेरे से पहले बहुत सारे लोग गए लेकिन यहां लौट के कोई नहीं आया, मैं तेरे से बड़ी उम्र में, तो तू ऐसा कर तू अपनी सेना को लौटा ले। तो नेपोलियन हंसने लगा, बोलते हैं घोड़े पे बैठा था, गले में माला थी, माला उतारी उस वृद्ध महिला के गले में डाल दी और बोला कि माता जी जब लौट के आऊंगा तो जयजयकार करोगे आप मेरी। और सेना को बोला आगे बढ़ो, सेना को बोला आगे बढ़ो। चुनौतियां कहां नहीं होती दोस्तों? मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है, तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़, तो तू ऐसा कर ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया, तेरे को चलाने ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है, जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है, तेरे से क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा, किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, जब धूप चाहिए थी जितनी तापमान जितनी टेम्परेचर जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया, जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी, टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। 1 साल के बाद फसल काटने का मौका आया, उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं देखते। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको
प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है, मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने, तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने, तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके, और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तितली कोकून से बाहर निकलती थी ना, तो एक आदमी उसको देख रहा था, तितली कोकून से बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है, तितली का शरीर बड़ा रहता है, निकलने का प्रयास कर रही है, कोकून का छेद बड़ा छोटा सा रहता है, संघर्ष कर रही है, बाहर नहीं आ रही। आदमी को लग रहा बड़ी तकलीफ हो रही है, फटाफट गया कैंची से उसका जो रास्ता था उसको खोल दिया कि आराम से बाहर आ जा, बाहर आती वो हैंडीकैप हो गई। उसने बोला क्या हुआ, उसने बोला तूने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में छिपा था, संघर्ष करके बाहर आती जो लार टपकती मेरे शरीर में जाती उसी से तो मुझे उड़ना था, तूने वो संघर्ष समाप्त कर दिया, मुझे अपंग कर दिया तूने। तो वो तो कुदरत है यार, कहां चुनौती नहीं है दोस्त, दुनिया में हर जगह चुनौतियां हैं, उसका सामना करना आपको सीखना पड़ेगा। और किसी की ना कोई चुनौती नहीं है दोस्त, किसी की ना कोई चुनौती है। याद रखिएगा कि घर में दो बेटियां हो गई हैं, ए और उनके ढूंढने हैं बर, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, लेके चलता हूं आपको एक कदम और आगे। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? देखो 5,40,000 रुपए आ सकते हैं इस बिजनेस से एक महीने में, कम से कम, कुछ लोगों को ज्यादा भी आते हैं मुझे पता है, 5,40,000 महीना आता है सर। 50,000 का नौकरी लगे ना कहीं, 50,000 का तो ठोक के इंटरव्यू होता है उसका, होता है कि नहीं होता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। या आप बायो डाटा लेके गए, उसने बोला क्या लग रहा है बेबी, तेरा इंतजार कर रही थी हमारी कंपनी, कहां था। 50,000 भी होता है तो ठोक के इंटरव्यू होता है, और अगर नौकरी 1,00,000 रुपए की हो तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि बेकार होता है ये बता दो बस खाली। नौकरी 2,00,000 की हो, राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, राउंड ऑफ है ना, वीडियो कॉलिंग पे भी होता है कभी कभी, है ना, एमडी बाहर बैठा है दुनिया के देश के, वहां से वीडियो कॉल से इंटरव्यू ले रहा है आपका, राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, तब 2,00,000 रुपए कॉर्पोरेट में मिलते हैं, 3,00,000 रुपए मिलते हैं। 5,40,000 भगवान आपको देना चाहता है, इंटरव्यू लेगा ही लेगा, वो चुनौती देगा ही देगा, वो देखेगा इस लायक साला है भी सही या। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक लाइन बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं, ध्यान से सुनना। जिंदगी में चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको, क्या करते हैं, हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं, कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं, अबे साइड कर पी, तो चुनौतियां साइड करो साला बड़े आगे, क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएंगी ना यार। आप अगर सोचो कि सारी बत्ती हरी होंगी तो घर से निकलूंगा तो दोस्त कभी नहीं निकलोगे, पहले इंतजार कर रहा हूं सारी ग्रीन हो जाए, सब हो गई हम निकलूं। आप ऐसे निकलते हैं क्या, आप निकलते हैं दोस्त, रेड लाइट होती है तो इंतजार करते हैं, रूट डाइवर्ट होता है तो चेंज कर लेते हैं, खड्डा होता है तो गाड़ी धीरे चलाते हैं, ये सब ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि नहीं आते, लेकिन डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। अभी आपका नया नया शादी हो, उदाहरण के तौर पे अभी शादी हुआ हो 4 दिन पहले और ऑफिस से लौट रहे हो और जाम लगा हो, क्या करोगे, ये तेरी की है, साइड से निकले, आगे रोड डाइवर्ट है, फिर क्या करोगे साला, तुम जो बीच का वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशन, टपा दोगे गाड़ी तेरी ऐसी की तैसी हट, और रास्ते में जो अवरोध होंगे अवरोध उनको 6-8 मां बहन की गालियां भी दे दो, हट तेरी जाने दे घर भाई, हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, क्या क्या सपने हैं, क्या क्या ख्वाहिशें हैं, तो अपन डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते यार, पहुंचते हैं यार, चुनौतियां कहां नहीं है यार, यू विल गेट चैलेंजेस एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव चैलेंजेस। देखो उनके पास चैलेंज थे कि नहीं थे, बनाया साहब बनाया, 8 इंजन 8
सिलेंडर का इंजन बनाया, बना के रहा, चुनौती नहीं आई होगी इसको। हाँ भाई, बोलता था कांच में से रोशनी पैदा करूंगा, ले बावला है थॉमस, मामे का लड़का है आपके, कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। और दोस्तों को बोलता होगा, दोस्त क्या बोलते होंगे, हाँ हमें भी लगता है ऐसा बोलते होंगे क्या, हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। 1093 पेटेंट्स हैं साहब थॉमस एडिसन के नाम, 1093 पेटेंट्स, 1093 पेटेंट करा के गया है वो जाने से पहले, और इसी दुनिया में पैदा हुआ जैसे आप और मैं पैदा होते हैं, कोई अलग प्राणी नहीं था सर। 1093 पेटेंट्स, जो आप बैटरी चार्ज करते हैं घर में, जो आप इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। वो बैटरी थॉमस एडिसन ने बनाया। जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, जो मेजर करता है कि कितना यूनिट चल गया, वो मीटर एडिसन का पेटेंट है। आप कल्पना भर करो यार कि कैसे वो बिजली को मेजर कर लेता होगा कि कितना यूनिट चला। ये बड़ा आसान लगता है लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत होगी दोस्त। ये लगता बड़ा आसान है लेकिन इसके पीछे अथक प्रयास छिपे होंगे कि जब बिजली निकले, इलेक्ट्रिसिटी निकले, उसको मेजर कैसे करना है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग माई डिफरेंस। 1093 पेटेंट करके गया, और कि 500 साल नहीं जिया होगा, उतना ही जिया होगा एवरेज लाइफ, और लोगों ने खूब विरोध किए होंगे, पागल गधा, लेकिन माना क्या सर, विरोधों से भरी पड़ी है दुनिया। ये देखो पागल का बच्चा, तरंगों से बात की जा सकती है बोलता था। पागल इसलिए बोलता हूं क्योंकि पागलों ने ही दुनिया को बदल दिया है, समझदार लोगों ने नहीं बदला। समझदार लोग आज भी इस ऑडिटोरियम में बैठ के मेरी गलतियां ही ढूंढ रहे होंगे। पागलों ने ही बदला है दुनिया को, तरंगों से बात हो सकती है। अरे पागल, जब नहीं रहा होगा टेलीफोन, ग्राम बेल बोलता था, तरंगों से बात कर सकता हूं। आप सोचो ना सर, यू आर सिटिंग इन दिल्ली, यू कैन टॉक इन लंडन, यस और नो, कितना आसान है। आपने नंबर डायल किया, आपकी लंडन में बात होगी सर। लेकिन आप सोचो इसके पीछे कितना टेक्नोलॉजी लगा होगा यार। जब लोग, जब ये नहीं रहा होगा और जब ये बोलते होंगे तो लोग कैसे लेते होंगे इनको यार। अभी ट्रांसमिशन है, ह्यूमन ट्रांसमिशन, नेक्स्ट जनरेशन जो आविष्कार दुनिया को बदलने वाले हैं, ह्यूमन ट्रांसमिशन। माय डियर फ्रेंड्स, नारद मुनि देखे थे आपने, नारायण नारायण कहीं भी प्रकट। यू कैन बिकम नारद मुनि इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। ह्यूमन ट्रांसमिशन, यहां से गायब, लंदन प्रकट, किसी के बेडरूम में पहुंचे, सामान्य परिस्थितियों में। तुम साला कहां से कहां चले जाते, तकलीफ तुम्हारी यह है। तुम बोला हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अरे मतलब वहां जाके उसको ट्रेनिंग दे काम कैसे करते हैं, तुम क्या सोच रहे हो। ह्यूमन ट्रांसमिशन माय डियर फ्रेंड्स इज द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमन ट्रांसमिशन, रोबोटिक का जमाना है, रोबोट आ गए बाजार के अंदर, रोबोट काम करेंगे। गूगल का गाड़ी मार्केट में 2 साल के बाद लॉन्च हो जाएगा, ड्राइवरलेस कार। और ये बातें कुछ साल पहले सपना होंगी। माय डियर फ्रेंड्स, 900,000 किलोमीटर की स्पीड से हवाई जहाज उड़ता है आपका। मैं बता दूं अभी 50 साल 100 साल 200 साल के बाद लड़के हंसेंगे, हमारी जनरेशन हंसेंगी जब हम उनको पता चलेगा ना कि ये 1200 किलोमीटर साले 1.5 घंटे में तय करते थे। हंसेंगे 200 साल के बाद लोग हम पे, कहेंगे 1.5 घंटा लगाते थे 1200 किलोमीटर के लिए, ये तो खट किया फट पहुंच गए। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट पे दुनिया काम कर रही है कि आज अगर उसके बारे में बता दिया जाए तो पीपल विल लाफ। पेजर चलता था, पेजर आपके जमाने में याद होगा। हाँ जी हाँ जी, इतनी सी माचिस की डब्बी लगी रहती थी यहां, कम बैक होम, आई एम वेटिंग फॉर यू, दाल इज रेडी, इट विल गेट ठंडा वेरी सून, पेजर पे मैसेज आता था। किसी ने सोचा था कि रिलायंस बजा डालेगा, है ना, वो जीबी फीबी को तो फ्री कर दिया उसने, काहे का जीबी, बोला सब तुम्हारा जीबी ले जाओ। लेकिन इन लोगों ने जब अपने सपनों के बारे में बात की होगी दोस्त, तो लोग हंसे होंगे, ये तय है। चुनौतियां आएंगी, और देखो एक बात गांठ बांध लो, अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम, क्योंकि वे तो नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है ना, सुबह भिंडी ले गए
दोपहर खाई, शाम खत्म, कोई चुनौती नहीं है, मस्त जा मस्त आ, एक ही चीज बदलेगी रोज तेरी सब्जी और कुछ नहीं बदलेगा। मैं नकारात्मक नहीं हूं लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, जॉब कैन ओनली गिव यू लिविंग माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कैन गिव यू लाइफ। चुनौतियां हैं दोस्त, इन लोगों का सामना हुआ होगा, चुनौतियों से भरा पड़ा है जीवन, ऐसे अनोखों लाखों करोड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आपको हैं आपके पास, घबराए नहीं। नेपोलियन ने बोला मेरा जय जयकार होगा जब मैं लौट के आऊंगा। चुनौतियों से तो चुनौती तो टॉनिक का काम किया उन लोगों के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है तो आपको आगे लेके चलता हूं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।